ये आप देख सकते हैं दराल खोर्ट के मनाजर जो बेरिंग के पहाड़ों से निकल के आते आ रही हैं, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये वही ब्रिज है जो मेन बाजार बेरिन के हैं, जो कि इस पे करप्शन हुई है 12 साल गुजर के बाद, कई हुकूमतें गुजरने के बाद भी इस ब्रिज पे बिल्कुल करप्शन की वजह से ये अभी तक तामीर नहीं हो सकी। और ये बेरिन बाजार के वो ब्रिज है जो कि करप्शन के बाइस अभी तक ये तामीर नहीं हुई, और दोबारा ये बेरिन के आवाम के लिए सर्द दर बन चुकी है, ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं, और ख़ासकर महकमा NHA के लिए जिस पे करप्शन की गई है। अगर करप्शन न की होती तो इसको बहाल की जाती, लेकिन अभी तक इसको 12 साल गुजरने के बाद ये वही जू के तू है, और आज ये बेरिन के आवाम के लिए सर्द दर बन चुकी है। अगर पानी के बाव में इसी तरह इजाफा होता जाएगा तो यकीनन ये बेरिन के बाजार को एक बार फिर अपने लपेट में लेके और मुकम्मल नुकसानात का जाला बन सकती है, नुकसानात में तब्दील हो सकती है। बेरिन के बाजार के रिवर साइड पे जितने भी होटल हैं, दुकानें हैं, वो इस वक्त खाली हो चुके हैं। ये वो ब्रिज है जो 2010 की सैलाब में परेशानी के सबब बन चुकी थी।